Hello students of class 9th. Today we are going to read chapter 1st, Matters in Our Surrounding. Some of the topics we have already studied. Now today we are going to read about the states of matter. Now there are three states of matter. The first one is the solid state. The second one is the gaseous state and the third one is the liquid state. The first one is the solid state. जो matters हैं, matters क्या है, किसके बने हुए हैं? Tiny particles के बने हुए हैं, ठीक है? तो ये तीन form में मिलते हैं हमारे surroundings में, हमारे इर्द गिर्द में, solid, liquid और gas की form में मिलते हैं. ये तीनों स्टेट्स की अलग अलग वेरिएशंस हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं. वन बाय वन डिटेल में हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. पहली हम लेते हैं सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट्स को हम समझेंगे, एक्टिविटी करते हैं जिसके थ्रू हम समझते हैं कि क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स है मैटर की जब वो सॉलिड स्टेट में है. फर्स्ट एक्टिविटी ले लेते हैं. फर्स्ट एक्टिविटी में ले रहे हैं, आप एक पेन ले लो, एक बुक ले लो, या फिर एक निडल ले लो, या एक थ्रेड का पीस ले लो, ठीक है? तीनों में तीन चार चीजें दी हैं, कोई भी चीज ले लो आप. फिर क्या करो, स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम, ठीक है? अपनी नोटबुक पे कोई भी ये सॉलिड चीज ले लो, जो भी तीन चार चीज दी है, कोई भी सॉलिड ले लो आप, इसके अलावा भी ले सकते हो. अपनी नोटबुक पे वो रख के उसके इर्द गिर्द पेंसिल से ड्रॉ कर लो. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, डू ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, क्या देखो कि उसके बाद ड्रा करने के बाद देखोगे जिन भी जो भी आपने चीज ली थी, जो भी आपने थिंग लिया था, आर्टिकल लिया था, क्या उसकी कोई शेप थी, उसकी कोई बाउंड्री थी, उसकी कोई फिक्स वॉल्यूम था, मतलब मास और उसकी स्पेस, पर्टिकुलर स्पेस घेरता था, कोई उसकी शेप थी कि नहीं थी, क्या देखा आपने. नेक्स्ट स्टेप करो, व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड आर ड्रॉप्ड, देखो कि अगर वो चीज को आप गिरा देते हो या खींचते हो या किसी हथौड़े से मारते हो, क्या उसमें कोई चेंजेस आती हैं? क्या आप नोटिस करते हो सॉलिड चीजों के साथ? ठीक है, तीनों स्टेट्स को हम डिफरेंस देखेंगे. आर दे कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इन टू ईच अदर, क्या अलग अलग जो आर्टिकल्स दिए हैं, क्या वो आर्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाई फोर्स, उन चीजों पर ताकत लगाकर कोशिश करोगे, क्या वो चीजें कंप्रेस होती हैं? ऊपर जितनी भी सॉलिड्स की एग्जांपल्स दी हुई थी, उन सबसे क्या ऑब्जर्व होता है, हमें क्या पता चलता है कि एक तो इनकी डेफिनेट शेप है, बाउंड्री है और वॉल्यूम है. तो ये सब एक्टिविटीज का करने से हमें किन चीजों का पता चला, क्या प्रॉपर्टीज हैं जब पार्टिकल सॉलिड शेप में, उसकी एक डेफिनेट शेप है, उसकी बाउंड्रीज हैं, वॉल्यूम्स हैं, दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और उनके बीच में कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है. आप जब चीज को प्रेस करते हो वो अपनी शेप नहीं बदलता है. द सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप्स, तो सॉलिड पार्टिकल्स में क्या है, एक अपनी शेप्स को बनाए रखते हैं, उनकी शेप किसी भी फोर्स से चेंज नहीं होती है. चाहे हैमर से आप उसको ब्रेक करोगे, ठीक है, अगर ब्रेक होगा तो भी वो जो उसका पार्ट होगा उसी शेप में होगा, कोई वो दूसरी शेप में चेंज नहीं होगा. सॉलिड पार्टिकल्स क्या होता है, रिजिड होते हैं, बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, तो इतना इजी भी नहीं होता इनको ब्रेक करना. तो एक और एग्जांपल के थ्रू ये समझा रहा है, रबर बैंड ले लो, रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, ठीक है, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग एज इट ए सॉलिड, जब रबर बैंड को आप खींचते हो क्या उसकी शेप चेंज होती है, क्या वो सॉलिड है? नेक्स्ट क्वेश्चन और कह रहा है, सॉल्ट और शुगर की बात करें, अगर इनको जार जार में डाल के रख देते हो, क्या ये शेप इनकी अपनी शेप है कि ये जार की शेप ले लेते हैं? तो ये जार की शेप ले लेते हैं, तो ये क्या लिक्विड है, क्योंकि ऊपर ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि अपनी शेप नहीं बदलता, तो सॉलिड लिक्विड क्या है? अलग अलग
एग्जाम्पल्स देके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्योंकि सॉलिड भी जो है, सॉलिड पार्टिकल्स भी कुछ ऐसी ऐसी शेप के हैं जिनकी अपनी शेप है, लेकिन जिस चीज में डालते हैं वो उसकी शेप ले लेता है। नेक्स्ट पॉन्च की बात करें, जब इसको हम कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस हो जाता है। ऊपर हमने तीन चार चीजें ऐसे कही, क्या प्रॉपर्टीज कही कि इसकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट बाउंड्री है, फिक्स वॉल्यूम है और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है। तो ये इन इन पॉइंट से हम लोगों ने सॉलिड पार्टिकल्स को एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन नीचे ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स देता है जो इसमें नहीं सूटेबल है, एडजस्ट नहीं होती हैं। जैसे रबर बैंड है, इसको स्ट्रेच करते हैं शेप चेंज होती है। शुगर या सॉल्ट को हम जार में डालते हैं वो शेप जार की ले लेता है। स्पॉन्ज हालांकि वो सॉलिड है लेकिन जब उसको कंप्रेस करते हैं वो कंप्रेस हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम इनको छोड़ देंगे ये वापस अपनी पुरानी शेप पे आ जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये सॉलिड ही है, इनकी शेप नहीं चेंज होती है, कुछ समय के बाद उसके लिए होती है, लेकिन जो ओरिजिनल शेप है इनकी ओरिजिनल शेप ही रहती है। ठीक है, ये हो गए हमारे सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड शेप में। नेक्स्ट हमारी आती है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट हो गया जो भी लिक्विड फॉर्म है, वो शेप चेंज करता है, उसमें वो रिजिडिटी है जो हमारी सॉलिड में है। एग्जाम्पल लेते हैं, कहता है कि पानी ले लो या कुकिंग ऑयल ले लो, मिल्क जूस कोल्ड ड्रिंक कोई भी फॉर्म में जो भी लिक्विड आपको मिलता है वो ले लो, उसको क्या करो कंटेनर्स में डाल लो, अलग अलग शेप के कंटेनर ले लो, अलग अलग शेप में 50 ml मार्क कर लो, 50 कर लो, कितना भी कर लो उतना उसमें लिक्विड डाल दो। सपोज आपने 50 ml कंटेनर में कोई भी लिक्विड डाल के मार्क कर लिया, फिर मेजिंग मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। ठीक है, मेजर करने के लिए लेबोरेटरी से आप सिलेंडर ले लो जिससे लिक्विड को आप मेजर कर सको। व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, अगर ये फर्श पे गिर जाएंगे लिक्विड तो क्या होगा, क्या होगा सोच के देखो, क्या होगा, वो अपनी शेप जिस चीज पे ये गिरेंगे वो शेप उसकी ले लेंगे। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इंटू डिफरेंट कंटेनर एंड वन बाय वन डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। नेक्स्ट क्या, एक तो शेप चेंज कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि एक कंटेनर में आपने 50 ml लिया था, अब उसी कंटेनर से आप दूसरे कंटेनर में सेम लिक्विड ट्रांसफर करते चलो, फिर तीसरे में डालो, चौथे में डालो, इस तरह से डालते चलो, क्या उसका वॉल्यूम सेम रहेगा जितना वो 50 ml था, क्या 50 ml ही रहेगा? और तीसरी चीज, क्या वो शेप चेंज करेगा? When you pour the liquid from one container to container, does it flow easily? जब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हो क्या वो आसानी से उसमें चला जाता है? इस तरह से तीन चार पॉइंट हमारे दिमाग में आते हैं जब ये चीजें करते हैं। जब ये तीनों चारों चीजें हमने करी तो क्या एक्सपेरिमेंट, क्या हम लोगों को कंक्लूजन मिला? वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। इससे हमें क्या पता चला कि लिक्विड की कोई भी फिक्स शेप नहीं है लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट है। ठीक है, उसकी शेप क्यों नहीं है? जिस कंटेनर में डाला उसने वैसी शेप ले ली। केस ऑफ सॉलिड का लेते हैं, सॉलिड में जैसी शेप थी, कंपैरिजन में देखो, सॉलिड में जो शेप थी वही शेप रहती है, लिक्विड में जिस चीज में जाता है उसकी शेप ले लेता है। सॉलिड में एक एग्जाम्पल शुगर की ली है, लेकिन जार में जा रहा है लेकिन जो उसके ओरिजिनल पार्टिकल्स हैं वो वैसे ही रह रहे हैं, वापिस लोगे वही शेप ले लेगा। लिक्विड के साथ ऐसा नहीं है, जिस भी चीज में डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा, वॉल्यूम वही रहेगा, मतलब 50 ml लिया तो दूसरे में डालने में कम नहीं हो जाएगा, वो उतना ही रहता जाएगा। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट, ठीक है, जिसमें रखे जाते हैं वही शेप ले लेते हैं। दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी, ये रिजिड नहीं है, जैसे कि सॉलिड रिजिड है तो ये इसके पार्टिकल्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स इतने स्ट्रॉन्गली नहीं है एज कंपेयर टू सॉलिड, तभी तो इनको फ्लूइड कहा जाता है। नेक्स्ट, वेयर वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, तो एक्टिविटी 1.4 और 1.5 से हमें क्या पता चला कि सॉलिड और लिक्विड जो है कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, ये दोनों लिक्विड्स में डिफ्यूज मतलब दोनों लिक्विड में ही मिक्स होते हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर, और जो गैसेस एटमोसफेयर से आती हैं वो भी मिक्स होती हैं
पानी में घुल जाती हैं। दीज गैसेस एक्चुअली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर असेंशियल फॉर द सर्वाइवल। जो ये दो गैसेस हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, इक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के, हमारे लिए भी और पानी में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। जितने भी क्रिएचर्स हैं उन सबको ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, और जितने पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो पानी के अंदर सांस लेते हैं ऑक्सीजन के थ्रू, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वहां से वो ब्रीथ करते हैं। तो दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। ये लास्ट में ये कंक्लूजन निकलता है, चाहे सॉलिड स्टेट हो, चाहे लिक्विड स्टेट हो, चाहे गैसी स्टेट हो, तीनों की तीनों स्टेट्स क्या है, लिक्विड में डिफ्यूज होती हैं, मिक्स होती हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड। ठीक है, लिक्विड सॉलिड के कंपैरिजन में जल्दी डिफ्यूज होता है, जल्दी घुल जाता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। क्या मीनिंग हुआ इसका, कि जो सॉलिड है वो इतने लिक्विड के कंपैरिजन में जल्दी डिफ्यूज नहीं होते हैं, और सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर स्पेस कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड पार्टिकल्स के साथ। जो लिक्विड पार्टिकल्स है उनके बीच में इतना स्पेस होता है कि कोई भी दूसरा पार्टिकल इजीली उसमें मिक्स हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स। नेक्स्ट है हमारी थर्ड फॉर्म गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व ए बलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बलून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। क्या आपने कभी महसूस किया, जब आपने बलून सेलर, जो बलून बेचने वाला, उससे जब बलून लेते हो, एक वो छोटा सा सिलेंडर लाता है, उस सिलेंडर से वो कितने सारे बलून्स को फिल करता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। उससे पता करो, पूछो कि आप एक सिलेंडर से कितने बलून फिल करते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्टिविटीज लिए देखते हैं। गैसेस फॉर्म में मैटर की क्या स्टेट होती है, क्या रिजिडिटी होती है, कितनी स्पेस होती है, क्या डिफ्यूजन ज्यादा है, कम है, क्या है। ठीक है, एक्टिविटी करते हैं। एक टेक 300 ml, ठीक है, स्ट्रेंजेस एंड क्लोज देयर नोजेस बाय रबर कॉक एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तीन स्ट्रेंज ले लो 100 ml की और उनके नोजल्स बंद कर दो रबर कॉक से, जैसे आपको इस फिगर 1.4 में दिया हुआ है। ये रही आपकी फिगर 1.4। एक ये सिरिंज ली हुई है, ये सिरिंज का रबर कॉक है, ये ब्लू कलर का जो दिखाया है गैस भरी हुई है, और ये पिस्टन सिरिंज को जो ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या कीजिए आप, रिमूव द पिस्टन, पिस्टन को ये रिमूव कर लिया। लिविंग वंस सिरिंज अनटच्ड फिल वॉटर इन द सेकेंड। एक सिंज में कुछ भी नहीं, चार लिए, एक सिंज में कुछ भी नहीं कीजिए, दूसरी में क्या वॉटर फिल कर लीजिए, और तीसरी में कुछ चौक के पीसेस फिल कर लीजिए। इंसर्ट द पिस्टन बैक इन टू द सिंज, दोबारा से पिस्टन को बंद कीजिए। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन, पिस्टन पे आप कुछ वैसलीन लगा लो इंसर्ट करने से पहले, ताकि वो स्मूथली चले, ठीक है, मूव इजीली हो जाए। नो ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन ईच स्प्रिंग। ठीक है, अब प्रेस करने, वन बाय वन सबको प्रेस कीजिए। ऑब्जर्व करोगे जब वन बाय वन सबको प्रेस करोगे, एक में वाटर है, एक में चौक के पीसीज हैं, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन से क्या महसूस आपने किया। We have observed that gases are highly compressible as compared to solid and liquid. Solid और liquid के comparison में gases जो है highly compressible है। ठीक है, इनमें ज्यादा space है, जब आप इनको press करते हो तो ये ज्यादा से ज्यादा press होती है। जैसे आपने piston को press किया तो piston पूरा आगे तक जाता है, ठीक है, gas को वो बिल्कुल press कर देता है। The liquefied petroleum gas (LPG) cylinder that we get in our home for cooking are
ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। जो घरों में हम लोग अपने गैस यूज करते हैं कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, या फिर हॉस्पिटल्स में जो गैस यूज आती है वो कौन सी गैस होती है? कंप्रेस्ड गैस होती है, ठीक है। इसलिए हमने ऊपर कहा कि वो एक सिलेंडर से कितने बलून फिल करता है, क्योंकि वो क्या है, कंप्रेस्ड गैस है। वो उससे लार्ज क्वांटिटी में बलून फिल किए जा सकते थे। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग छोटे से ज्यादा गैस फिल कर सकते हैं। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेस अवर नोस्ट्रिल। किचन में क्या बन रहा है बिना किचन में जाए हुए हम लोग बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो खाने की स्मेल है वो हमारे नाक तक पहुंच जाती है, जिससे हम लोग उस खुशबू से ही पता लगा लेते हैं कि वो क्या बन रहा है। तो वो जो स्मेल है वो क्या आ रहा है? हाँ, गैस के फॉर्म में उसके वेपर्स हमारे तक आ रहे हैं, तो हम गैसेस जो है कि उसी के थ्रू हम बता सकते हैं, उसकी खुशबू से, अरोमा ऑफ फूड, फूड की खुशबू से ही हम बता सकते हैं कि क्या बन रहा है, क्योंकि जो खाने की खुशबू है पूरे हवा में फैल जाती है। द स्मेल ऑफ हॉट फूड रीचेस अस इन सेकेंड। जो गर्म खाने की महक है वो सेकेंडों में हमारे तक पहुंच जाती है एज कंपेयर टू कोल्ड फूड। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अगर हम सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में देखें तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, वो हमारे तक जल्दी से पहुंचती है, उसके पार्टिकल्स की स्पीड बहुत ज्यादा है, डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी उसकी बहुत फास्टर है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। इन द गैस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रेंडमली एट हाई स्पीड। गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में और किसी भी स्पीड मतलब हायर स्पीड में बहुत तेज यहां से वहां मूव करते हैं, और ये पार्टिकल हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट करते हैं और जिस कंटेनर में डाले होते हैं उस कंटेनर को भी हिट करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर एग्जर्ट होता है गैस में, और फोर्स एग्जर्ट बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। द प्रेशर एग्जर्ट बाय द गैस इज, और जो गैस में प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है? जो उन पार्टिकल्स पे फोर्स लगती है पर यूनिट एरिया, जितने एरिया में वो टकराते हैं उसमें जो फोर्स ताकत लगती है उसकी वजह से वहां पे प्रेशर होता है, इसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ जाती है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं तीनों का कंपेरिजन। तीनों पार्टिकल्स ले लिए हैं, एक देखते हैं सॉलिड चीज ले लिए और एक बीकर में लिक्विड और एक बलून ले लिया गैस, ठीक है। अब ये देखो, इस प्लेट में कोई आइटम रखी है जो सॉलिड है। अब उसके पार्टिकल्स इस तरह से कुछ, ये जो ए वाली फिगर दिखाई है उसके पार्टिकल्स इस तरह से कुछ होते हैं, उनके बीच की स्पेस क्या रहती है? कम रहती है, जिसकी वजह से उनकी कंप्रेसिबिलिटी कम है, डिफ्यूजन कम है। कोई भी चीज है उसमें डिफ्यूज नहीं होती है, मिक्स कंप्लीटली नहीं होती है, जितनी स्पेस है उतना ही करेगा, और कंप्रेस करोगे तो इतना कंप्रेस नहीं होगा, और उसकी वॉल्यूम, उसकी शेप भी रहती है, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या हैं के बीच में स्पेस कम है। नेक्स्ट आ गया लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में देखो कितनी स्पेस है, इसलिए वो इजिली उसके बीच में मूव करते रहते हैं ये पार्टिकल्स, और जो भी हम सॉलिड चाहे लिक्विड वो इसमें मिक्स हो जाता है ड्यू टू देयर स्पेस। और कंप्रेसिबिलिटी भी एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा है क्योंकि स्पेस ज्यादा है। लिक्विड में देखो, बलून के अंदर देखो, ये जो सर्कल छोटे छोटे दिखाए हैं ये क्या दिखाए हैं? गैस पार्टिकल्स दिखाए हैं, और ये जो खाली एरिया है ये स्पेस है। तो इस बलून के अंदर ये क्या है? सारी की सारी खाली स्पेस है। तो बलून जब आप गुब्बारा भरते हो उसको आप चाहे हल्का सा हाथ से प्रेस करके देखो, वो प्रेस होते हैं, क्यों? ड्यू टू दिस स्पेस, इस खाली जगह के कारण वो कंप्रेस होते हैं, और इसी वजह से, स्पेस की वजह से लिक्विड सॉलिड दोनों उसमें आसानी से मिक्स हो जाते हैं। ये देखो, ये जो स्क्वायर शेप में डायग्राम लिए वो ये बता रही है, ये जो पार्टिकल्स है ये गैसेस है, बाकी की जो
प्लेन स्पेस है, वो सारी की सारी क्या है, फ्री स्पेस है। तो तीनों के कंपैरिजन में गैस में स्पेस ज्यादा है, डिफ्यूजन ज्यादा है, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। तो ये रहे हमारे तीन स्टेट्स ऑफ पार्टिकल्स। आज आज का हम लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कंफ्यूजन होगी, कोई भी डाउट्स होंगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और बाकियों को भी शेयर भी कर दीजिए, ताकि जिसको भी जरूरत हो उनको भी ये सब वीडियोस मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।